हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे एगलेस क्रिंकल ब्राउनी कुकीज़, यानी कि क्रिंकल ब्रूकीज़। इसके लिए मैंने ये देखिए 80 ग्राम रूम टेम्परेचर का सॉल्टेड बटर लिया है। ये इसमें 200 ग्राम डार्क चॉकलेट लेंगे। ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब इसको मैं माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए गर्म करूँगी। हम इसको दो बारी गर्म करेंगे 30-30 सेकेंड के लिए। पहले एक बारी 30 सेकेंड के लिए गर्म करेंगे। ये देखिए बटर मेल्ट हो गया है, अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने चॉकलेट एकदम बारीक काटा था, इसलिए ये 30 सेकंड में ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। अगर लगे कि अभी चॉकलेट के चंक्स इसमें हैं तो आप 30 सेकंड के लिए और इसको एक बार माइक्रोवेव कर लें। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको डबल बॉइलिंग मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं, गर्म पानी के ऊपर बोल रख के, उससे भी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। बस इसको डायरेक्ट गैस पर नहीं मेल्ट करना है। अब इसमें 140 ग्राम चीनी डालेंगे, 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, ये इंस्टेंट कॉफ़ी है। चॉकलेट हमारी क्योंकि गर्म है तो कॉफ़ी उसी में मेल्ट हो जाएगी। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अब इसमें 150 ml हल्का गर्म दूध डालेंगे। अब इसको चीनी घुलने तक मिलाएंगे। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। 50 ग्राम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। 200 ग्राम मैदा डालेंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई हैं। मैदा इसमें बिल्कुल भी अलग अलग दिखाई नहीं देनी चाहिए। हमारा ब्रूकीज़ का डो बिल्कुल बनके तैयार है। क्योंकि हम कुकीज़ बना रहे हैं और ये अभी थोड़ा पतला है, इसको हम 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, उसके बाद इसको शेप करेंगे। क्रिंकल ब्रूकी के डो को फ्रीज़र में रख के 15 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा सेमी हार्ड हो गया है। अब एक आइसक्रीम स्कूपर ले लें। अगर आइसक्रीम स्कूपर नहीं है तो कोई भी आप स्पून ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसकी एक साइज की बॉल बना लेंगे। इसको बिल्कुल गोल गोल चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से स्कूप करेंगे और इधर रख देंगे। सब एक साइज़ की बॉल बना लेंगे। ये देखिए सभी ब्राउनी कुकीज़ शेप हो गए हैं। अब इनको वापस से फ्रीज़र में रख देंगे आधा से एक घंटे के लिए। ये जो बॉल्स हैं ये एकदम हार्ड हो जानी चाहिए। ये देखिए ब्राउनी कुकीज़ को मैंने एक घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये इसे हार्ड हो गए हैं। ये देखिए ये मैंने 60 ग्राम पिसी हुई चीनी ली है। अगर आइसिंग शुगर है तो आइसिंग शुगर ले लें। अब क्या करेंगे, एक एक कुकी लेंगे, इस तरीके से एकदम अच्छी तरह से इसको शुगर से कोट कर देंगे हर तरफ से। बेकिंग ट्रे में बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लगा लें, कुकी को सीधा इसी में सेट करते जाएंगे। सबको कोट करने के बाद अगर लगे कि किसी पे से हट गई है तो आप उसको दोबारा कोट भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से ये देखिए इस तरीके से इसको कवर करना है शुगर से। इसी तरीके से सभी कुकीज़ शुगर से कोट कर लेंगे। अवन को प्री हीट पे लगा दें 180 डिग्री के। ये देखिए हमारे सभी क्रिंकल ब्राउनी कुकीज़ शुगर से कोट हो गए हैं। अवन को मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था। अब इनको 12 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे।
इनको ओवर बेक बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए हमारे एगलेस, क्रिंकल, ब्रूकीज बिल्कुल अच्छे बेक हो गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इनको बिल्कुल ठंडा होने तक छेड़ना नहीं है, इसी तरह रखे रहने दीजिए। लीजिए बनके तैयार हैं हमारे बहुत ही टेस्टी और सुंदर एगलेस क्रिंकल ब्रूकीज। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।